वेलकम टू दोस्तों, आज आपका स्वागत है हेम सिंह टेक्निकल चैनल में। आज हम आपको बताएंगे जो आपकी गूगल ड्राइव है उस पर, आपको पता होगा अगर आप जीमेल से गूगल ड्राइव चलाते हैं तो 15 GB का आपको एक स्टोरेज स्पेस मिलता है। उस स्टोरेज स्पेस को आप अपने कंप्यूटर के माई कंप्यूटर में एज ए ड्राइव यूज कर सकते हैं। जैसे आप माई कंप्यूटर में जाते हैं तो आपको अपने कंप्यूटर की हार्ड डिस्क की SSD की ही ड्राइव दिखाई देती है। जैसे मेरे कंप्यूटर पर आए, एक मेरा सी ड्राइव है, एक मेरा डी ड्राइव है, एक मेरा सीडी रोम का ड्राइव है और एक मेरा लोकल डिस्क है जिसको मैंने लॉक कर रखा है। एक मेरे यहाँ राउटर लगा हुआ नेटवर्क पे, मेरे पास एक क्लाउड स्टोरेज डिवाइस है खुद का, जिसे हम बोल सकते हैं वैन या सैन नेटवर्किंग डिवाइस। तो इसके अलावा मैं यहाँ पे इसी ड्राइव में अभी आपको सेटअप करके दिखाऊंगा मेरी जीमेल आईडी का जो 15 GB स्पेस है वो मैं यहाँ सेटअप करके दिखाऊंगा और उसे मैं एज ए ड्राइव यूज करने वाला हूँ। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। आपको अपने कंप्यूटर में जो वेब ब्राउजर है उसे ओपन करना है और कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे google.com खोलना है। google.com खोलने के बाद आपको लिखना है गूगल ड्राइव ऐप को डाउनलोड करना है अपने कंप्यूटर के लिए। जैसे आप गूगल ड्राइव ऐप को डाउनलोड करेंगे तो ये देखिए डाउनलोड फॉर ड्राइवर, इसको जैसे आप डाउनलोड करोगे तो छोटा सा ड्राइवर है 153 MB का डाउनलोड हो जाएगा, डिपेंड योर इंटरनेट कनेक्टिविटी स्पीड। अगर आपके पास अच्छा इंटरनेट स्पीड है तो आपकी जो गूगल ड्राइव का 15 GB स्पेस है या आपके पास ऑफिशियल ईमेल आईडी है तो उसमें करीबन TB 1 या 2 TB का स्पेस मिलता है, उसको आप एज ए स्टोरेज डिवाइस के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो मैं वही आपको करके दिखाऊंगा। मेरे पास मेरी ऑफिस की आईडी मिली हुई है, वहाँ से हमें 1 TB स्पेस मिलता है जिसको हम एज ए कंप्यूटर ड्राइव की तरह यूज़ करेंगे। बट इसके लिए आपको हाई स्पीड इंटरनेट फैसिलिटी होनी चाहिए। ये गूगल ड्राइव का सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल कर लिया, इसको हम ओपन करते हैं और ये इंस्टॉल हो जाएगा। ये इंस्टॉल के लिए कह रहा है तो मुझे इसका गूगल डॉक शीट नहीं चाहिए, मुझे इसका सिर्फ डेस्कटॉप पे सॉफ्टवेयर चाहिए। मैं इसे इंस्टॉल कर रहा हूँ, ये इंस्टॉल हो रहा है। तो अभी तक देखिए, अभी तक मेरी जो माई कंप्यूटर ड्राइव है उसके अंदर कोई भी ड्राइव, गूगल ड्राइव का कोई भी ड्राइव अभी तक एलोकेटेड नहीं हुआ है। तो उसे कैसे करना है, तो जैसे आप इस सॉफ्टवेयर को डालेंगे तो ये आपके ब्राउजर के मदद से आपकी जो ईमेल आईडी है उसको सिंक करेगा। देखिए यहाँ साइन इन ब्राउजर करते हैं, जो भी आपकी ईमेल आईडियां यहाँ चल रही है वो यहाँ दिखाई देगी। मैं मेरी ऑफिस की आईडी से इसे सिंक करने जा रहा हूँ तो मैं इस आईडी को चूज कर लेता हूँ। जैसे इस आईडी को चूज करता हूँ तो साइन इन के लिए कहता है, जैसे मैं इसे साइन इन करूँ सक्सेसफुली ये साइन इन कर लिया जाएगा। और आप भी मेरी ड्राइव देख सकते हैं, आप यहाँ पे अवेलेबल नहीं आई है। अभी मैं इसे ओपन प्रेफरेंस करूँगा तो मेरी गूगल ड्राइव यहाँ टास्क बार पे इस जगह जाके दिखाई देगी। तो ये देखिए, ये मेरी गूगल ड्राइव है, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसके सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। अभी ये सिंक हो रहे हैं और ये देख सकते हैं पूरा का पूरा स्पेस मेरा यहाँ पे आपको अवेलेबल दिखाई दे रहा है। ये देखिए 128 GB फ्री है, 456 GB मुझे एलोकेटेड है। अगर किसी वजह से आपको गूगल ड्राइव दिखाई ना दे तो आपको सेटिंग में जाना है, सेटिंग में प्रेफरेंस में जाना है। यहाँ पे आपको गूगल ड्राइव पे जाना है, यहाँ आपको सेटिंग्स में ये ड्राइव लेटर मिल जाएगा। ये ड्राइव लेटर अगर यहाँ से चिप नहीं लगा होगा तो ये ड्राइव आपको दिखाई नहीं देगी। तो ड्राइव लेटर पर टिक लगाना है और जो भी ड्राइव आप चूज करेंगे वो ड्राइव आपको वहाँ दिखाई देकर शुरू हो जाएगी। तो बहुत ही सिंपल, आपको इस ऐप को डालना है, अपनी आईडी को सिंक करना है, अब आपकी गूगल ड्राइव आपके पास अवेलेबल है इस्तेमाल के लिए। माई ड्राइव और शेयर ड्राइव, माई ड्राइव में वो डाटा होगा जो हमने इस पर रखा हुआ है और शेयर ड्राइव में मेरा वो डाटा होगा जो मैं किसी को शेयर कर रहा हूँ अपनी गूगल ड्राइव के जरिए। इस तरह से आप अपनी गूगल ड्राइव का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में। ये बेहतरीन और आसान तरीका है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह इस्तेमाल करने के लिए आपको एक छोटा सा ऐप भी पहुँचा है। इस तरह से जैसे मुझे 456 GB स्पेस है वो अवेलेबल है, 128 GB ये फ्री रह गया है इसको यूज़ करने के लिए। तो मेरी ऑफिशियल ड्राइव है इसलिए मुझे करीबन 456-500 GB के आसपास मिला हुआ है। आपकी नॉर्मल ड्राइव होगी तो आपको स्पेस थोड़ा 15 GB के आसपास मिलेगा। तो हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में, और चैनल को लाइक
वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते जाइए। I didn't wanna see the one inside.